लॉकडाउन के दौरान रविवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि राशन और गल्ले का मूल्य 14 अप्रैल तक निर्धारित है। निर्धारित मूल्यों पर बेची जा रही राशन सामग्री जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित किराना स्टोर की सूची मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से जारी कर दिया गया है। किराना स्टोर को पहले ही बता दिया गया है कि दुकान पर कोई भी भीड़ न लगाएगा। सभी दुकानदार होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे और जनता को घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए राशन के लिए 14 तारीख तक के लिए हमने रेट निर्धारित कर दिया था। यहाँ के साहबगंज के और महेवा मंडी के गल्ला व्यापारियों के साथ बैठक करके हमने रेट निर्धारित कर दिया था, जो 14 तारीख तक के लिए प्रभावी हैं। और दोनों ही थोक का फुट करके रेट यहाँ पे निर्धारित कर दिए गए, जो कि आपके माध्यम से और विभिन्न पेपरों के माध्यम से जनता को सर्कुलेट कर दिए गए हैं। पहले ही बताया गया है कि कोई भी किराना की दुकान या राशन की दुकान अपने आप भीड़ नहीं लगवाएगी और जनता के लिए खुली नहीं रहेगी। वो डोर स्टेप डिलीवरी करेंगे, होम डिलीवरी मतलब घरों पर सामान पहुँचाएंगे, तो उसका प्रभावी अनुपालन कराया जा रहा है और सभी ने अपना नंबर सर्कुलेट कर दिया जो जनता को दे दिया गया है। और इस तरह घर घर राशन और किराना पहुँचाया जा रहा है। 14 तारीख के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो फिर से एक बैठक करके जो भी रेट उस समय विद्वान उसके हिसाब से कम रेट डिसाइड किया जाएगा, ताकि जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और पूरा प्रयास यही है कि जनता अपने घर से बाहर ना निकले, उनके घर पे सब्जी राशन और जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं सब हम लोग होम डिलीवरी के माध्यम से पहुँचवाएंगे।